सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। सेवंथ क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 34, एक समलंब चतुर्भुज बनाओ जिसकी एक भुजा AB और लंब NP तथा दो भुजाओं का आधार कोण X के समान दिया है। तो हमें तीन चीजें इसमें दी हुई है। सबसे पहले हम एक लेते हैं AB रेखा, ये हमारी है AB रेखा है। एक हमें दिया हुआ है लंब और वो है NP, तो हम एक NP लंब ले लेते हैं। ये आपका है NP, और एक आपको दे रखा है आधार कोण X के बराबर। एक हम आधार कोण ले लेते हैं, इस तरह से हम देख सकते हैं ये हमारा आ गया X। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारी AB रेखा है इतनी ही हमने AB लेनी है जो दी हुई हमें, ये हमारी है 6 सेंटीमीटर की रेखा है, तो ये आप देख सकते हैं इसी के बराबर हमने दूरी पे एक समान दूरी पे 6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा लेनी है। ये आप देख सकते हैं इसका नाम हम दे देते हैं A और B। तो आपने क्या करना है, जो आपके पास ये X कोण दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं ये कोण हमने बनाना है A पार्ट में, इस तरह से, और ये आपका इतना बड़ा कोण है ये देख सकते हैं, इतना हमने जो है वो यहाँ पर काट देना है इस तरह से, और हमने इसको मिला देना है A के साथ। देख सकते हैं इसको हम भी हल्का मिलाएंगे, उसको डार्क नहीं लगाएंगे, हल्का बिल्कुल हल्का मिलाएंगे इसको इस तरह से, और हमने बी पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण बनाना है इस तरह से। आप देख सकते हैं इसको भी मिला देना है, इसको भी हम हल्का मिलाएंगे इस तरह से, और हमने क्या करना है, जो आपके पास NP एक लंब दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास लंब दिया हुआ था NP, तो इतनी प्रकार खोल के आपने B से इस रेखा को काट देना है जो आपने ये 90 डिग्री वाली रेखा आपकी है, और अब आपने क्या करना है इसके समानांतर AB के समानांतर रेखा लेनी है यहाँ से जहाँ आपने ये काट रखा है इस तरह से, और यहाँ आपका पॉइंट है N और ये पॉइंट आपका आ गया C। अब आपके पास जो ये रेखाएं हैं इनको आप मिटा सकते हैं, इनका कोई काम नहीं है, इस तरह से ही आपका जो प्रश्न है वो भी बनके तैयार हो गया है। इसको आप डार्क कर सकते हैं, अब जो आपकी बी एन रेखा रही है और ये जो आपकी रेखा है ए सी इसको भी अब आप डार्क कर सकते हैं इस तरह से, और ए बी रेखा को भी आप डार्क कर सकते हैं इस तरह से। ये आपका प्रश्न जो है वो बन के
तैयार हो गया है और बुक में जो आपका है ये जो आपकी रेखा है लंब आपका है बी एन, इसी के समानांतर जो है वो यहाँ से एक डॉटेड लाइन लगाई हुई है, तो आप ये भी यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरह। ये आप देख सकते हैं ये आपका प्रश्न नंबर है 34, ये आपका बनके तैयार हो गया। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 35, एक समानांतर चतुर्भुज बनाओ जिसका कर्ण एसी रेखा के समान और दोनों कोणों का मध्य कोण एक्स दिया है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ इसमें, एक तो हमें दे रखा है कर्ण एसी, तो सबसे पहले हम एक कर्ण ले लेते हैं एसी, ये हमने कर्ण ले लिया है ए सी, इसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे ए सी। और एक हमें कोण दे रखा है एक्स, तो हमने कोण ले लेना है एक्स, इस तरह से इसका नाम हम दे देते हैं एक्स कोण। अब आपने क्या करना है, जितना आपके पास ए सी रेखा है इतनी ही रेखा हमने लेनी है, जो आपके कर्ण दिया हुआ है हम उसको देख लेते हैं कितना है, ये हमारा ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर लंबा है, ये आप देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर हमने रेखा लेनी है, हम ले लेते हैं यहाँ पे थोड़ा हम ऊपर ले लेंगे इसको, इतना ऊपर हम ले लेते हैं इस तरह से। और अब हमने क्या करना है, इसका नाम हम दे देते हैं ए और सी, आप प्रकार से भी इसको नाप सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर इतना है और ये देखिए ये बिल्कुल इसके बराबर है, तो हमने इसका समद्विभाजन करना है इस तरह से। वो आपने ए पॉइंट पर प्रकारक करके इन चापों को काट देना है इस तरह से, इस तरह से। और अब हमने इनको चापों को आपस में मिला देना है यहां से, इस तरह से यहां पर हम लाइन लगा देंगे, ये जो आपकी रेखा आ रही है जहां सेंटर पे ही कट रही है यहाँ पॉइंट आपका आ जाएगा ओ। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास एक कोण दिया हुआ है एक्स, इतनी आपने प्रकार खोलनी आप देख सकते हैं, और आपने ओ से यहाँ पे ये कोण ओ पॉइंट पे आपने यहाँ पे ये बना देना है सेंटर में इसके, और जितना ये कोण आपका बड़ा है इतना ही कोण हम यहाँ पे काट देंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। और हम इसको मिला देते हैं डॉटेड, हम इसको मिलाएंगे इस तरह से। जो हमने क्या करना है, ओ पॉइंट पर रखो और ओ से सी जितनी हमने प्रकार खोलनी है, और हमने इस तरह को काट देना, ये जो आपका पॉइंट आ गया ये पॉइंट आपका आ गया डी। और आपने क्या करना है, डी और सी को आपस में मिला देना, और ये आपकी भुजा आ चुकी है समांतर चतुर्भुज की इस तरह से। अब आपने क्या करना है, जो आपकी ये डी और ओ रेखा है इस रेखा को आपने पीछे को भी बढ़ा देना है इस तरह से, इस तरह से। और अब आपने क्या करना है, ओ पॉइंट प्रकार करके ए जितनी प्रकार खोल के आपने यहाँ पे भी चाप लगा देनी है इस तरह से, और जहाँ ये इधर कटेगा
ये आपका पॉइंट आ गया बी। अब आपने क्या करना है, ए बी को भी आपने आपस में मिला देना है। अब आपने क्या करना है, बी और सी को भी आपस में मिला देना है और डी और ए को भी आपने आपस में मिला देना है। इस तरह से ये जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35, ये आपका बन के तैयार हो गया। आपके पास बुक में ये जो आपका ए सी कर्ण है ये डॉटेड दिया हुआ है, तो हमने यहाँ लाइट हल्का लगा रखा है क्योंकि हमें ये पहले दिया हुआ था और दी हुई रेखा हमेशा हल्की होती है, डॉटेड नहीं होती है, तो मैंने यहाँ हल्के लगा रखे। आप चाहो तो इसको डॉटेड भी लगा सकते हैं। ये आपका कौन है एक्स और ये आपका जो बन के तैयार होगा।